बाड़मेर के मेडिकल कॉलेज अस्पताल में बुधवार को अचानक आग लग गई। जैसे ही आग लगने की भनक लगी तो मरीजों में हड़कंप मच गया और मरीज अस्पताल से बाहर भागने लगे। कई मरीज तो हाथों में ड्रिप लिए ही अस्पताल के बाहर आ गए। अस्पताल प्रबंधन को जब आग लगने की सूचना मिली तो तुरंत कार्मिकों ने आग पर काबू पाने का प्रयास शुरू किया। करीब आधे घंटे की मशक्कत के बाद आग पर काबू पा लिया गया। मरीजों ने बताया कि वार्ड की खिड़की में आग लग गई और वार्ड में धुआं फैलने लग गया। डर के कारण सभी मरीज अस्पताल से बाहर आ गए। वार्ड प्रभारियों ने भी मरीजों को बाहर आने को कहा तो सभी मरीज बाहर आ गए। एक बार ला खत्म, दूसरा लगा, मैडम आई, भाग लगी के भागो भागो, भाग निकला। कुछ नहीं, मैं सो रहा था, ग्लूकोज चढ़ रहा था, मैं ग्लूकोज समेत भाग रहा था। किसी ने बोला ग्लूकोज को उतार दो और तू भाग, मैं भाग के यहाँ। वो बोले कि अंदर आग लगी, आप जाओ बाहर जाओ। मैं और ये साथ में दोनों नजदीक सोए थे, दोनों बाहर आ गए। आप भर्ती हो, पीछे आग लगी, क्या लगा है? आग लगी। आप क्या मतलब, आपको डर वगैरह लगा था यहाँ पे? घबराहट वगैरह लगी थी, डॉक्टर साहब ने बोला बाहर। बाकी मरीज कोई बाहर गए हैं यहाँ से? और बहुत सब बाहर निकले थे। जानकारी के मुताबिक सर्वधर्म प्रार्थना स्थल के पास में शॉर्ट सर्किट की वजह से कचरे में आग लग गई। देखते ही देखते आग ने विकराल रूप धारण कर लिया और अस्पताल परिसर में धुएं का गुब्बार उठने लगा। इसके अलावा सामान्य वार्ड की एक खिड़की को भी आग ने अपनी चपेट में ले लिया। इसकी वजह से सामान्य वार्ड में भर्ती मरीजों में हड़कंप मच गया और जान बचाने की कोशिश करते हुए मरीज अस्पताल से बाहर भागने लगे। अस्पताल प्रबंधन ने फायर फाइटिंग सिस्टम की मदद से आग पर काबू पा लिया। धन्यवाद राजस्थान। रीट पात्रता परीक्षा कोर्स को राजस्थान का टॉप सेलिंग कोर्स बनाने के लिए अब उसी भरोसे को कायम रखते हुए सक्सेस पॉइंट बाड़मेर आपके लिए लेकर आया है शिक्षक भर्ती व सीईटी का संपूर्ण रिकॉर्डेड ऑनलाइन कोर्स व राजस्थान की टॉप सेलिंग टेस्ट सीरीज। गणपत सिंह राजपुरोहित सर व उनकी अनुभवी टीम के द्वारा तैयार की गई एग्जाम ओरिएंटेड गुणवत्ता युक्त टेस्ट सीरीज और ऑनलाइन कोर्स। लाखों की भीड़ में अपना सिलेक्शन सुनिश्चित करने के लिए आज ही ज्वाइन करें सक्सेस पॉइंट बाड़मेर का ऑनलाइन कोर्स। के बाद जो हमारा कॉरिडोर है वहाँ पे कुछ कचरा वसरा इकट्ठा था और ऊपर जो रेस्ट रूम है वहाँ से शायद किसी ने बीड़ी या सिगरेट पी के जो है वो नीचे डाली है, जिससे वो आग लग गई थी। और आग लगते ही हमारे को पता लग गया था हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम बिल्कुल दुरुस्त है, तो उसको उसे आग को बुझा लिया गया। हाँ, एक बार जब आग लगी तो मरीजों में और सब में भय तो होता ही है, लेकिन हमारे पास जो हमारा फायर फाइटिंग सिस्टम है वो आप देख ही रहे हो, वो बिल्कुल फंक्शनल है और वो उसे आग पे पूरे काबू पा लिया गया। नहीं, ओटी में जो टेबल पे है वो आर्टिफिशियल लाइट से करेंगे और लाइट को अभी थोड़ी देर में वापस रेस्टोर कर देंगे। जब आग पे काबू पा लिया है तो थोड़ी देर में वापस लाइट लगा देंगे। अस्पताल हमने लगभग तो साफ करा ही दिया, आपने देख लिया है पूरे परिसर साफ हो गया, ये पोर्शन थोड़ा रह गया था तो उसको भी अभी साफ कर देंगे। अस्पताल अधीक्षक डॉक्टर बी एल मंसूरिया ने बताया कि अस्पताल के बैकडोर में कचरा फैला हुआ था, संभवतः रेस्ट रूम में किसी ने जलती बीड़ी या सिगरेट फेंकी होगी, इसी वजह से आग लग गई। भय के कारण मरीज भी अस्पताल से बाहर आ गए। अस्पताल का फायर सिस्टम दुरुस्त है, अस्पताल प्रबंधन ने तुरंत ही आग पर काबू पा लिया।